कॉस्मेटोलॉजिस्ट टाइम दीती और फ्रेंड आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपकी हेयर शाइन कर रहे होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक होममेड फेशियल के बारे में जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आपके चेहरे पे तुरंत एक अच्छा सा निखार लेकर आ जाएंगे और आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बिना किसी देर किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपके फेस से डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ऑयलीनेस को दूर करने के लिए, आपकी स्किन को क्लियर बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए जिस फेशियल को हम करने जा रहे हैं उसके दो स्पेशल इंग्रेडिएंट हैं। फर्स्ट कुकुम्बर एंड सेकेंड पोटैटो यानी खीरा और आलू। तो सबसे पहले इस फेशियल को करने के लिए आपको सबसे पहले इनका जूस निकाल लेना है और इस DIY होममेड फेशियल को करना स्टार्ट करना है। तो गाइज हमारे फेशियल की फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, लेकिन उससे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके फेस पे कोई भी मेकअप और कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं लगा होना चाहिए। तो गाइज हम क्लींजिंग करने जा रहे हैं। क्लींजिंग में हमें सिर्फ एक छोटा चम्मच पोटैटो जूस और एक छोटा चम्मच कुकुम्बर का जूस चाहिए। तो गाइज एक क्लिप मैं ले लेती हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि आफ्टर फेशियल और बिफोर फेशियल में क्या डिफरेंस है। अब एक कॉटन बॉल को इसमें डिप करना है और अपने फेस पे अच्छे से इसे स्प्रेड करना है और ध्यान रखिएगा सर्कुलर मोशन में इसे अपने फेस पे अप्लाई करिएगा। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। देन हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं तो आप स्टीम भी ले सकते हैं एंड स्टीम लेने के बाद आपको करना है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच कुकुम्बर जूस, उसमें आपको ऐड करना है 1/2 स्पून सॉल्ट। आप चाहें तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। रैंडमली अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करें, उसके बाद जेंटली अपने फेस को रब करें सर्कुलर मोशन में, अपने चीक्स को, अपने नोज को, चिन को, फॉरहेड को, जहां जहां भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वहां पे स्पेशली अच्छे से रब करें, लेकिन जेंटली रब करें, ज्यादा रगड़ के रब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, 2 मिनट से ज्यादा स्क्रब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। 2 चम्मच पोटैटो जूस और 2 चम्मच कोकोनट जूस को निकाल के अलग रख लेना है और बाकी जितना भी जूस बचा है उसे एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल के छोड़ देना है। इस प्रोसेस को आपको पहले ही करना पड़ेगा ताकि जब आपको टोनिंग करनी हो यानी जब आपको टोनर की नीड हो तब तक ये ठंडा हो चुका होगा। तो स्क्रब करने के बाद आपको टोनर का यूज करना है, तो आपको इस जूस को अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे करना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए। और गाइस जब आप इसे अपने फेस पे स्प्रे करोगे ना इतना ज्यादा ठंडा ठंडा और फ्रेश फील होगा ना कि मैं क्या बताऊं। तो गाइस अब अपन ने टोनिंग तो कर ली, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है मसाज। तो उसके लिए जिस भी बाउल में आपने पोटैटो जूस निकाला होगा उसके नीचे कुछ इस तरीके से पोटैटो जूस जम गया होगा, तो हमें उसमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने फेस पे मसाज करना है। 10 टाइम्स सर्कुलर मोशन में अपनी चीक्स पे, देन फॉरहेड पे भी करना है, नोज एरिया में भी करना है और सारी प्रोसेस ऊपर की तरफ करनी है, अपने फेस को अपलिफ्ट करना है। नीचे की तरफ करेंगे तो शेगिनेस आ जाएगा, बुढ़ापा दिखेगा चेहरे पे, और ऊपर की तरफ ऐसे रब करेंगे तो आपकी स्किन अपलिफ्ट होगी और झुर्रियां दूर हो जाएंगी। मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा जिससे पोटैटो और कुकुम्बर दोनों के बेनिफिट्स आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगे, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, डार्क स्पॉट्स दूर होंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो मसाज को आपको 10 मिनट तक करना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। देन गाइज हमारा लास्ट प्रोसेस है फेस पैक, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो हमें चाहिए 2 चम्मच पोटैटो जूस, के अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसके बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच कुकुम्बर जूस। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और अपने फेस पे थिक लेयर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पूरे फेस को अच्छे से कवर करेंगे और जब तक ये कम्प्लीटली सूख ना जाए इसे अपने फेस पे अप्लाई
ठंडा करके रखेंगे। जब फेस मास्क अच्छे से सूख जाए तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं विजिबली कि कितना बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है आफ्टर और बिफोर फेशियल में। इस फेशियल को आपको हफ्ते में एक बार करना है। 2 से 3 बार करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप वीकली इसे जरूर फॉलो करेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो फटाफट से जाइए इस फेशियल को यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अपनी स्किन हेयर की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके सीधे आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे और पर्सनली मुझसे बात कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।